चलिए इंकलाब की हिमायत की है, अब मैं जो लव बोलूंगा दोहरा दीजिएगा। सबने दिया है हम हो चोर, सबने दिया है हम हो चोर, कांग्रेस ने चोट दिया कि नहीं, राजद ने चोट दिया कि नहीं, जदयू ने चोट दिया कि नहीं, भाजपा ने दखल दिया कि नहीं, तो गलत कह रहा हूँ मैं, सही है तो बोलो। सबने दिया है हम हो चोर, सबने दिया है हम हो चोर, सबके दिल में है खून, सबके दिल में है खून, अब न देंगे इन बेईमानों को, अब न देंगे इन बेईमानों को, अब अपनी पार्टी अपना हो, अपनी पार्टी अपना हो, पतंग का निशान, जामिन अली, जामिन अली, पेरिस्टो सदन अवेशी, समस्तपुर के नौजवान, समस्तपुर के बुजुर्ग, समस्तपुर की नेकी माओ बहनों बेटियों, बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। अबू हसन नबी अल्लाह ने कहा तुम्हारा बच्चा बच्चा पंच वक्ता हो जाए और तुम्हारे अंदर में सियासी शोर पैदा न हो तो तुम्हारे तहजुद के बावजूद भी तुम्हारे पंच वक्ता नमाज पढ़ने लग जाए। मेरे भाइयों सुन्नत का वक्त है, 5 मिनट में फरियाद करने के लिए आया, अगर गुंजाइश हो तो इजाजत दे दीजिए, वन नहीं तो हमें मना कर। मेरे भाइयों सुन्नत पढ़ने के लिए हम भी आ रहे हैं 10 मिनट के अंदर। मेरे भाइयों अगर बिहार में और मुल्क में जो सूरत हाल हो रही है उसमें अगर अपनी सियासी क्यादत आपने खड़ी नहीं की आपको बड़ा नुकसान होगा। पुराने मुकदस में अल्लाह तबारक व तआला ने कह दिया है इन अल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअन्फुसिहिम, खुदा आप उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वो कौम अपनी हालत को बदलने के लिए तैयार हो। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसको रहमतुल आलमीन मना कर भेजा गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जंग लड़नी पड़ी, जंग के बदर में कयादत की, जंग के वहां पर दमदान आपके शिकस्त हुई, आपको तायब के मैदान में लहूलुहान किया गया, तब जाकर कलमे हक को दुनिया में सरबुलंदी मिली। मेरे भाई अगर इज्जत चाहते हैं, इस मुल्क में शरीयत का तहफ्फुज़ चाहते हैं, अपने मस्जिदों का तहफ्फुज़ चाहते हैं, उठ खड़े होइए। आज जादवों ने, कोयलियों ने, उर्मियों ने, मल्लाहों ने, माझी ने, पासवान ने, सब ने अपनी सियासी ताकत पैदा कर ली और आज अपने सफों में सियासी ताकत पैदा की गई। यकीन जानिए जिस जिस्म में पांव कट जाए वो लंगड़ा हो सकता है, बाजू कट जाए वो लूला हो सकता है, लेकिन जिस जिस्म में सर नहीं है वो लाश है, जिस कौम का कोई अमीर नहीं है वो भी लाश की तरह है। हिमायम आपसे गुजारिश करने के लिए आई है, मेरे सरस्वती मवेशी ने आपको सलाम भेजा है और ये पैगाम भेजा है कि बेलागन के लोगों को मेरा सलाम कह दीजिए। इस वक्त मैं पार्लियामेंट में मिल्लत की आवाज हूँ, तो हमें ताकत की जरूरत है। इस मौके से न हुकूमत बनने जा रही है न हुकूमत गिरने जा रही है इस इलेक्शन से, लेकिन आपने मुसलमानों ने अगर अपना नुमाइंदा चुन लिया तो यकीन है कि आपको सब हुकूमत मिलेंगे। अगर आपने अबकी बार की भूल की है तो तारीख की नजरों ने वो दौर भी देखा है, लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। मेरे भाइयों ये वो अमानत है, अल्लाह की अमानत उसके हवाले कीजिए जो उसके अहल है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसका मफहूम है या रसूलुल्लाह क़यामत कब आएगी। रसूलुल्लाह ने फरमाया जब अमानत में खयानत हो। लोगों ने पूछा या रसूलुल्लाह अमानत में खयानत क्या है, कहा कि तुम जब ना अहलों को अमीर बना दोगे ये क़यामत की अलामत है। मुसलमानों होश ना हो, अगर आपने हमने होश लेना तुम नहीं लिए तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है जब कोई कौम राह रास्त से हट जाती है तो अल्लाह तबारक तआला उस पर ज़ालिम हुक्मरान मुसल्लत कर देता है। जुल्म से निजात के लिए यकीन जानिए इस मुल्क में सियासी क़यादत ज़रूरी है। अगर हमने अपनी सियासी क़यादत खड़ी न की तो हम मस्जिद के मीनारों के, अपने शरीयत के, अपने कब्रिस्तानों का तहफ्फुज़ भी नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक तआला हमें और आपको सही फैसले की तौफीक अता फरमाए। मैं दावे के साथ नहीं कह सकता लेकिन उम्मीद करता हूँ कि अजीजी जामिन हसन इन उम्मीदवारों में अहम उम्मीदवार है, मुसलमानों के मसाइल पर लड़ने वाला नौजवान है और लोग हैं, हमने जिसको बार बार आजमाया है फिर भूल करके हम लोगों को मुंतशिर मत कीजिए। चमकता हुआ दिखता होगा कुतुब मीनार की मस्जिद में पुकार पुकार कर कह रही है कि मुसलमानों तुम जरा अपने सीने पर हाथ रखो, गरेबान को हाथ रखो कि जिस वक्त तुम्हारे आबा अजदाद की तादाद इस मुल्क में 4-5% थी उस वक्त इस मुल्क के तुम सुल्तान और बादशाह बनो, और आज क्या वजह है कि तुम्हारी आबादी 15-17% हो गई है और तुम कटोरा लेके फिर जो चाहता है तुम्हें जलीलो खार कर देता है, मुझे क्या है मैं गौर करना। मेरे भाइयों ताकत जब भी है वो जमात में है,
श्रृंखला है और ताकत नहीं है। इसका जो खतरा है दरिया में खड़ा हो जाए, जो खतरे की बुलंदी है वो दरिया में शामिल हो जाए। तो गया कि मोदी बगैर किसी की हमायत के लिए वो वजीर आजम बन गया। ए लाल किला की तस्वीर पर बैठने वालों मुसलमानों, गैरत पैदा करो। अगर आप भी अपने गैरत पैदा की और अपनी कयादत पैदा की, यकीनन है इस मुल्क में तो बादशाह नहीं बन सकते, लेकिन बादशाह अगर हो सकते हो तो मैं कोई जलील हार नहीं कर सकता। यकीनन है कि मस्जिद के मीनारे से भी हमें सियासी फसीलत थी, जिसको बाबी अभी तोड़ी जा रही थी। मस्जिदों में आहो भगा कर रहे थे लेकिन मीनारे मजबूत नहीं हुए थे। लेकिन कयादत के मीनारे अगर 80 हमारे पार्लियामेंट में होते तो किसी के बाप की मजाल हमारे मस्जिद और मिंबर मेहराब की तरफ नापाक नजरों से देखने की भी नहीं होती। खुदा के वास्ते अपनी खोई हुई अजमत को तलाश कीजिए और अपनी कयादत पैदा कीजिए। अपने बच्चों को आगोश में लीजिए। काला परोठा दी हो तो अपने बच्चे को पेशानी चूमता है। अल्लाह का शुक्र है फिर इस सरसोदिन अवेथी जैसा दी दोस्त। और इस वक्त लड़ाई कल्लू और भद्दू में नहीं है, अब्दुल और महमूद में नहीं है। इस वक्त लड़ाई इस वक्त है एक तरफ बेरिस्टर सुदीन अवेसी की आवाज है, दूसरी तरफ मोदी का नुमाइंदा है, तीसरी तरफ लालू का नुमाइंदा है। दिल पर हाथ रखकर फैसला कीजिएगा, जो आपसे करीब हो उसके हाथ पर हाथ डालिएगा। अल्लाह तआला हमें सही फैसले की तौफीक दे। आदमी सीमांचल से चलकर आपको सलाम करने आया है और भी मैं बैठ के अपनी नई नई माओं बच्चों को भी सलाम करने आया है। और मुझे ये खबर मिली है किसी अनजाने बच्चे ने भी न जाने किस पार्टी का पर्चा किसी के घर में दिया, उससे तकलीफ हुई है। यकीनन ये तकलीफ की बात है, उसकी मुजम्मत की जानी चाहिए। मेरे भाइयों, मैं अमोर विधानसभा का MLA हूँ और हिमाचल की पार्टी का बिहार का सदर भी हूँ। इस वक्त मुल्क में जो हालात है उससे मैं आपको सिर्फ बाखबर करने आया हूँ। जमहूरियत में वोट आपका एक हथियार और जमहूरियत का राजा मार्केट के रूप से चलने लगा, जनता के रूप से चलने लगा। माई समीकरण के तहत गुफ्तगू मत कीजिए, गुफ्तगू मत कीजिए। लेकिन राजद ने फिर अपना असली चेहरा सामने में दिखा दिया। किसी मुसलमान को टिकट कर देगा, फिर सुरेंद्र यादव जी के बेटे को टिकट दिया और बता दिया कि मुसलमान तुम गुलाम हो, तुम वोट देने के लिए पैदा हुए हो, तुम वोट ले नहीं सकते हो। और यही है लोकतंत्र और राजतंत्र में रखे राजा के घर में राजा पैदा होता है। ठीक उसी तरह से सुरेंद्र यादव जी MP बन गए हैं, उसका बेटा ही MLA बनेगा। मुसलमानों दिल पर हाथ रखकर सोच लो, क्या गुलाम हो, क्या आपने नस्लों के गुलाम बना दोगे कि जिसको 30-35 सालों तक आपने MLA बना के रखा, आप MP बना दिया, उसी के बेटे को फिर वोट दोगे? यकीन रखो इस मुल्क में मुसलमानों की मस्जिदें महफूज नहीं है, मीनारे तोड़े जा रहे हैं, बेटियों की इज्जत टूटी जा रही है, कब्रिस्तानों पर नाजायज कब्जा हो रहा है और नाक के कान तोड़े जा रहे हैं। यही बाबर का मॉब लिंचिंग हुआ, इसी बेला में याद करो मुसलमानों, जिसने मॉब लिंचिंग करके बाबर को मार डाला, सुरेंद्र यादव जी जिन्होंने जुर्म किया, मुजरिम के घर पर हाजिर दिया लेकिन मजलूम के घर पर उसको हाजिर देने की कैसे करता, उसको सलाहियत पैदा नहीं हुई। मेरे भाइयों दिल में हाथ रखकर सोचो, ये वक्त अभी पुस्तकों का नहीं है। मैं कह देता हूँ कि मुसलमानों ने इस मुल्क में ताजमहल बनाया, लाल किला बनाया, कुतुब मीनार बनाया, मुसलमानों ने इस मुल्क में सरदारी की, मुसलमानों की तादाद 4-5% थी, लेकिन आज मुसलमान 15% है और पूरे मुल्क में दाढ़ी के नाम पर, टोपी के नाम पर मुसलमानों के साथ बदसलूकी हो रही है। ऐसी सूरत हाल में हम आपसे सिर्फ यह करना चाहते हैं कि वोट आपका एक जिम्मेदार फैसला है, वोट आपके जमीन की आवाज है। पुराने